एवरीवन, सो एमबीए कैट 2024 का स्लॉट 2 जो है ये कंप्लीट हो चुका है गाइस। और इस वीडियो में हम लोग स्लॉट 2 के एनालिसिस डिटेल में कवर करेंगे, सेक्शन वाइज के ओवरऑल पेपर जो है कि कैसे आया था। सो गाइस, स्लॉट 1 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो स्लॉट 2 जो है हमें ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ये देखने मिला। स्लॉट 2 का ओवरऑल अगर हम पेपर का लेंथ देखें तो पेपर लेंथी आया था, एंड काफी सारे क्वेश्चन जो है वो एमबीए कैट 2023 के जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिले। काफी सारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा सिमिलर थे कि वहां पे सिर्फ नेम चेंज हमें देखने को मिला, एंड पैटर्न जो है या जो टॉपिक जो है ये हमें डिट्टो सेम देखने को मिला। क्वेश्चन जो है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक स्टार मार्क का पेपर का। एंड अगर हम देखें तो ओवरऑल पेपर जो है ये मॉडरेट पूछा गया था। ऑल्सो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्पीड, और स्पीड डिस्टेंस टाइम से हमें ज्यादा क्वेश्चन जो है ये देखने को मिले। चलिए सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं ये कैसा पूछा गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीएआरसी की, तो स्लॉट 1 के जैसे ही हमें स्लॉट 2 में कोई भी पैरा जंबल्ड क्वेश्चंस जो है ये देखने को नहीं मिले। जैसे स्लॉट 1 में आया था सिमिलरली स्लॉट 2 में भी 4 आरसी पूछे गए थे, और 2 आरसी के सेट्स जो है बहुत सिंपल थे। 2 आरसी के जो सेट्स थे इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड थे, जहां पे जो नॉर्मली यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है वही टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इन्फरेंस बेस्ड था, तो यहाँ पे आपका रीडिंग स्पीड जो है अगर अच्छा रहेगा तो आपने पूरा चीज पढ़ा होगा तो वो सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। उसके अलावा 3 पैरासमरीज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन एज आई टोल्ड लेंदी थे आरसी, और 2 ऑड मैन आउट थे, टीटा बेस्ड क्वेश्चन थे। ओवरऑल डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट था, इजी उन स्टूडेंट्स के लिए गया जिनका स्पीड अच्छा था। एंड आई एम रियली होपिंग कि टीटा बेस्ड क्वेश्चंस स्लॉट 3 ही जो स्टूडेंट्स है ध्यान में रखिए, टीटा बेस्ड क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भी छोड़ के मत आइएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अटेम्प्ट जरूर करके आना है हमें टीटा बेस्ड क्वेश्चंस। साथ ही साथ ऑड मैन आउट देखने मिल रहा है, तो जस्ट बिकॉज पैराजंबल्स नहीं पूछा जा रहा है तो स्लॉट 3 के जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं ये मत सोचिएगा कि हमें भी नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके जाइए और सही तरीके से क्वेश्चन पढ़िएगा, बिकॉज क्वेश्चंस जो है ये थोड़े ट्रिकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलआरडीआई की, तो 5 सेट्स पूछे गए थे जिसमें से 3 सेट्स काफी ज्यादा ड्यूएबल थे, एंड क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल थी ये इजी रही थी अगर प्रैक्टिस सही है तो। अगर ट्रेडिशनल मेथड बहुत ज्यादा यूज ना करते हुए अगर स्मार्ट मेथड का इस्तेमाल किया है तो बहुत ईजी आया था ये सेक्शन, जहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे मिक्सचर रेशियो, मिसलेनियस डीआई जो है ये देखने को मिला। तो क्लैट जो है यहाँ पे कैट ने सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए इस बार, जहां पे यूजली मिसलेनियस से नहीं आता है इस बार कैट में हमें मिसलेनियस डीआई भी देखने को मिला। एंड एक इंस्ट्रक्शन है गाइस सारे स्टूडेंट्स के लिए कि बबल बारग्राफ का क्वेश्चन भी आया था, तो मेक श्योर करना जो भी चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है उसे अच्छे से कर रहे हो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कि आपको ये नहीं आ रहा है या ये लेंथी होगा तो उस वक्त के लिए उसे छोड़ दो, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं जो आप कर सकते हो, जो डूएबल क्वेश्चंस है, तो पहले उन्हें सॉल्व करना। लेंथी क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा समय जो है वो लगाना मत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, फिर उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, स्पीड डिस्टेंस टाइम सिमिलर टू स्लॉट 1 हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल डिफिकल्टी जो है एलआरडीआई का वो भी ईजी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांट की, तो स्लॉट 1 के जैसे अर्थमैटिक डोमिनेटिंग रहा था, काफी सारे क्वेश्चंस जो है अर्थमैटिक से पूछे गए थे। ज्योमेट्री से जैसे हमें देखने को मिला था कि स्लॉट 1 में जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था वो रेडियस को लेके था, इस बार क्वेश्चन जो स्लॉट 2 में पूछा गया वो राइट एंगल ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर था, तो ये थोड़ा ट्विस्ट था जो देखने मिला। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस जो क्वांट के थे वो एलआर बेस्ड भी देखने मिले इस बार हमें, अगेन बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, बबल वाला पूछा गया था इस बार, डिस्टेंस टाइम स्पीड के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले। टीटा बेस्ड क्वेश्चन अगेन हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन टीटा बेस्ड से पूछे गए हैं। रीडिंग पजल बेस्ड आया था, उसके अलावा एवरेज बेस्ड, ग्राफ, परसेंटेजेस एंड टैक्सेस के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है ओवरऑल
डिफिकल्टी जो है इसका रहा है इजी टू मॉडरेट, बट एक चीज ध्यान में रखिए, जो भी कर रहे हो बिल्कुल भी घाई घाई मत करिएगा सॉल्व करते वक्त। ये इंश्योर करिएगा कि जो क्वेश्चन है उसको सही तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। स्टे ट्यून्ड, जो स्लॉट 3 के बच्चे हैं आराम से अच्छे से पेपर लिखिएगा। डोंट वरी मच, कीप योर माइंड काम एंड स्टे ट्यून्ड। हम लोग जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, और अदर अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल।